हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ, और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ शुरू करने वाले हैं, विच इज़ ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री की बात करी जाए तो इस चैप्टर से CSIR नेट में 26 मार्क्स से लेके 35 मार्क्स तक के क्वेश्चन बनते हैं। मतलब आप देख सकते हो कितना स्कोरिंग चैप्टर है, और बहुत ईजी चैप्टर भी है। अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हो, अच्छे से बेसिक क्लियर कर लेते हो, तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर मैं मेन ग्रुप केमिस्ट्री की बात करूँ, मेन ग्रुप एलिमेंट्स की बात करूँ, तो आपको पता है सिलेबस वहाँ पे इतना वास्ट होता है, उस चैप्टर को अच्छे से करने के बाद भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हो 100% कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप उसके अटेम्प्ट कर पाओगे। बट ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने डिटेल में चैप्टर कर लिया है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप इस चैप्टर से अटेम्प्ट कर पाओगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के साथ शुरू करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें मिनिमम वन मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलेंगे। अब ये जो कार्बन है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का होना चाहिए। ये कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का होना चाहिए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में एल्काइल, एल्कीन, एराइल, एरोमेटिक, साइक्लिक कोई भी हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस बोल रही हूँ मैं। अब एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, RMGX, ठीक है। सो R हमने ले लिया मिथाइल, एल्काइल या एराइल ग्रुप, MGX कोई भी हेलाइड ले लो, CL ले लो। यहाँ पे देखो मिथाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा? दिस इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होगा। आप एन ब्यूटाइल लिथियम की बात करो, एन ब्यूटाइल लिथियम। सो ब्यूटाइल आपको पता है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कार्बन और मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हुआ? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हुआ। बट अगर मैं NaCN की बात करूँ, CN साइनाइड, हमें पता है ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये क्या है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो अब जो मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये कार्बन कहाँ से आ रहा है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आ रहा है, तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, CaC2 कार्बाइड का एग्जांपल ले रहे हैं। अब कार्बाइड भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे भी मेटल कार्बन बॉन्ड तो प्रेजेंट है, बट ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम केस बोला था। मैक्सिमम केस क्यों बोला था? अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ NiCO4 का, ठीक है, यहाँ पे मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है, बट कार्बोनिल आपको पता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, स्टिल ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। आप एक्सेप्शन लेके आप इसको ध्यान में रख सकते हो। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में मैंने क्या बताया? कैटलिस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, यही सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है। मेटल डायरेक्टली अटैच टू कार्बन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कार्बन के साथ मेटल डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। अब यहाँ पे जो मेटल हम बोल रहे हैं, मेटल की जगह पे आप सेमी मेटल्स भी ले सकते हो, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होनी चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होनी चाहिए। मतलब अगर आप सिलिकन की बात करो, ठीक है, सिलिकन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे सिलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो सिलिकॉन्स आपने पढ़े ही होंगे, पी ब्लॉक केमिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाए हैं सिलिकॉन्स, वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। बोरोन, और बोरोन अगर कार्बन यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो जो ये भी क्या होगा? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे इसका नेक्स्ट पॉइंट? तो ये मैं हमने देख लिया कि दिस एक्सक्लूड सम इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स को ये एक्सक्लूड करता है, जिसमें कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स, साइनाइड्स आते हैं। मेटल जनरली स्टैंड फॉर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मैंने आपको बताया कि ये मेटल क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, मतलब इसमें सेमी मेटल्स भी आ जाते हैं, जैसे कि आपके पास बोरोन आ गया, सिलिकन आ गया। इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स द सेंट्रल एटम इज ऑफन इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट,
ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जीरो या फिर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी मैक्सिमम केसेस में, और कभी कभी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को भी मिलती है सेंट्रल एटम की। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स को। एक और बात ध्यान में रखना कि ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स का फिक्स इलेक्ट्रॉन काउंट होता है। इलेक्ट्रॉन काउंट के बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अब हम ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स की हिस्ट्री देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। सो ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है वो मेन ग्रुप एलिमेंट से भी हो सकता है, एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल से भी हो सकता है, या फिर मैक्सिमम केसेस में आपको ट्रांजिशन मेटल देखने को मिलेगा, लेंथेनाइड या एक्टिनाइड भी हो सकता है। फर्स्ट ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड मेन ग्रुप एलिमेंट से ये आता है आपके पास डायमिथाइल आर्सेनियस एनहाइड्राइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। आर्सेनिक सेंट्रल एटम है, डायमिथाइल CH3 आ गया आपके पास, एनहाइड्राइड है तो ऑक्सीजन AS आएगा। ठीक है, CH3 ये स्ट्रक्चर आ गया आपके पास। इसको केकोडाइल ऑक्साइड भी बोला जाता है एंड दिस इज टॉक्सिक इन नेचर। अगर इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन देखे जाए तो आर्सेनिक ऑक्साइड की रिएक्शन होगी पोटाशियम एसीटेट के साथ, और आपको पता ही है कि आर्सेनिक ऑक्साइड दिस इज टॉक्सिक इन नेचर। पोटाशियम एसीटेट के साथ रिएक्शन होगी यहाँ पे और फॉर्मेशन होती है CH3 होल ट्वाइस AS होल ट्वाइस ऑक्सीजन प्लस K2CO3 प्लस CO2। इस रिएक्शन को आप इजीली बैलेंस कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल। इसमें आता है जीज सॉल्ट। इसका फॉर्मूला देखो, पोटाशियम प्लेटिनम होगा इसमें सेंट्रल एटम, C2H4 एक लिगेंड है एंड Cl3। या तो आपके पास यहाँ पे पोटाशियम होगा या होल मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो प्लेटिनम यहाँ पे Cl3 है, ये हमने लगा दिए एंड यहाँ पे आ गया आपके पास CH2। इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन देखें तो K2PtCl4 के साथ रिएक्शन होगी इथेनॉल की, C2H5OH एंड फॉर्मेशन होती है जी सॉल्ट की। PtCl4 2- की शेप की बात करी जाए, स्ट्रक्चर की बात करी जाए, सो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी DSP2 और स्क्वेयर प्लेनर आपको शेप देखने को मिलती है। बट यहाँ पे इस लीगेंड की वजह से डिस्टॉर्शन आ जाती है थोड़ी सी, और यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री नहीं मिलेगी देखने को, यहाँ पे होगी सुडो स्क्वेयर प्लेनर। अब नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स, जिसमें एल्कली मेटल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट एग्जांपल NaC5H5-, यहाँ पे मेटल कार्बन का बॉन्ड प्रेजेंट है, और आप देख सकते हो कार्बन किसका है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का है, एन ब्यूटाइल लिथियम, फिर यहाँ पे बोरोन सेमी मेटल भी आ रहा है, बोरोन कार्बन, कार्बन यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से है अगेन, एल्यूमिनियम कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स के, याद रखने की जरूरत नहीं है, अब आप इजिली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल आ रहे हैं ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, मेटल कार्बन बॉन्ड तो है बट कार्बोनिल एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में भी कार्बोनिल का ही कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इस मॉलिक्यूल में भी कार्बोनिल का ही कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और ये सारे मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, सो ये बात आप ध्यान रखना। अब ये वाला मॉलिक्यूल एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, इसको मिनसेंटो कैटलिस्ट बोलते हैं, एसिड की फॉर्मेशन रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट ये यूज होता है। ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स एज अ रिएजेंट यूज होते हैं,
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ये यूज़ होते हैं एज अ रिएजेंट। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है आपके पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट, जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन में यूज़ होता है। गिलमन रिएजेंट है, एनब्यूटाइल लिथियम है, ये सारे एज अ रिएजेंट यूज़ होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ होते हैं, जो इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ये भी एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है, ये भी एज अ कैटलिस्ट, ये भी एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है, ठीक है। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एज अ ड्रग भी यूज़ होता है। सिसप्लैटिन आपने सुना ही होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, एंटी कैंसर ड्रग है ये। सो उसकी एप्लीकेशंस, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। अब ये वाला मॉलिक्यूल, इसको कैटिवा कैटलिस्ट बोलते हैं, ये भी एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन की रिएक्शन में ऐसा कैटलिस्ट यूज़ होता है। अब ये वाला मॉलिक्यूल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्यों इंटरेस्टिंग है आप देख सकते हो, मेटल कार्बन बॉन्ड आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, स्टिल इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी जो कैटलिटिक साइकिल होती है उसमें एक स्टेप ऐसा आता है जहाँ पे मेटल कार्बन बॉन्ड फॉर्म होगा। ये विल्किंसन कैटलिस्ट है, ये यूज़ होता है फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन या फिर एल्काइन। और एक स्टेप ऐसा आता है जहाँ पे मेटल एल्कीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, एल्काइन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, मेटल कार्बन बॉन्ड फॉर्म होगा, इसीलिए इसको भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंडर रखते हैं। और ये वाला एग्जांपल, इसको फेरोसिन, इसका नाम क्या है, फेरोसिन, ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि इसकी फॉर्मेशन हुई थी एक्सीडेंटली। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, आयरन यहाँ पे होगा सेंट्रल एटम, और ये बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक स्टेबल होता है। ऑरेंज सॉलिड होगा, ऑरेंज, सॉलिड होगा, और इसकी फॉर्मेशन हुई है एक्सीडेंटली। एक्चुअल में फॉर्मेशन हो रही थी फुलबिन की। फुलबिन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक्सोबॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, डबल बॉन्ड आ गया, ये है इसका स्ट्रक्चर। इसकी फॉर्मेशन कराई जा रही थी और एक्सीडेंटली फेरोसिन मिल गया। अगर इसकी फॉर्मेशन की रिएक्शन देखें तो सबसे पहले तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट मिलेगा, रिएक्शन हो रही है एमजी के साथ, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इंसर्शन होगी मैग्नीशियम की, MgCl, देख सकते हो RMgX, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, इसके टू मॉलिक्यूल्स हैं। और अब फेरिक क्लोराइड यूज़ हो रहा था इस रिएक्शन में एज अ ऑक्सीडाइजर, एक्सीडेंटली फुलविन की जगह आपको मिल जाता है यहाँ पे फेरोसिन, ठीक है। स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ है ऑलरेडी, फेरोसिन मिल जाएगा। अब फेरोसिन की आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फर्मेशन देखने को मिलेगी, इसको बोलते हैं हम स्टैगर्ड, ये आ गई आपके पास स्टैगर्ड, ये आपके पास आ गई एक्लिप्स, यहाँ पे देख सकते हो दोनों रिंग्स एक्लिप्स, और ये आती है आपके पास क्यू कॉन्फर्मेशन, ठीक है। स्टैगर्ड सॉलिड फॉर्म होगी, ये लिक्विड या गैसेस फॉर्म में होती है, और इसके पॉइंट ग्रुप पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको ये बेसिक बेसिक चीज़ें भी ध्यान में रखनी है, इसके पॉइंट ग्रुप पे क्वेश्चन पूछा गया था। स्टैगर्ड है, इसका पॉइंट ग्रुप होगा D5D, डायहेड्रल प्लेन देखने को मिलता है, इसका पॉइंट ग्रुप होगा D5H, और इसका पॉइंट ग्रुप होता है D5। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है एफ ब्लॉक एलिमेंट से, यूरेनोसिन नाम है, और यहाँ पे यूरेनियम सेंट्रल एटम है।
ये हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का। अब मेन चैप्टर की तरफ चलते हैं। जो बेसिक शुरू हो रहा है, जो चैप्टर शुरू हो रहा है, वो हेप्टासिटी से शुरू हो रहा है। अब हेप्टासिटी, लिगेंड्स की हेप्टासिटी और इलेक्ट्रॉन काउंट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसी के ऊपर डिपेंड करता है पूरा चैप्टर। अगर आपको ये वाले बेसिक कॉन्सेप्ट हेप्टासिटी एंड इलेक्ट्रॉन काउंट समझ में नहीं आएंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। हेप्टासिटी क्या होती है कि सेंट्रल एटम के साथ लिगेंड के डायरेक्टली कितने एटम अटैच्ड हैं, उसी को हम हेप्टासिटी बोलते हैं। इसको ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं एग्जाम्पल लेके बताऊँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर CH3 दिया हुआ है। अब देखो, मेटल के साथ डायरेक्टली एक एटम अटैच्ड है, मेटल के साथ डायरेक्टली एक एटम अटैच है लिगेंड का, तो इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे आपके पास हेप्टासिटी आएगी ईटा वन, मोनोहेप्टो है ये, ठीक है। एग्जांपल ले लो, जैसे हम इथीन ले रहे हैं, CH2CH3। सो यहाँ पे भी देखो आप, मेटल के साथ डायरेक्टली एक ही एटम अटैच्ड है, तो यहाँ पे भी हेप्टासिटी क्या होगी? वन ही होगी। अगर मैं यहाँ पे लूँ ऑक्सीजन, सो यहाँ पे देखो मेटल के साथ डायरेक्टली एक ही एटम अटैच्ड है, तो यहाँ पे भी हेप्टासिटी क्या आएगी? वन ही आएगी। अब हम देखते हैं M डबल बॉन्ड Cr2। यहाँ पे आप देखो, ये बॉन्ड्स का कोई लेना देना नहीं है, दो बॉन्ड है, तो ये मत सोच लेना कि यहाँ पे हेप्टासिटी 2 आएगी। यहाँ पे मेटल डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, तो हेप्टासिटी 1 ही होगी। लाइकवाइज अगर हम ट्रिपल बॉन्ड भी लेते हैं यहाँ पे, तब भी आपकी हेप्टासिटी 1 ही आएगी, क्योंकि मेटल के साथ डायरेक्टली एक ही कार्बन एटम अटैच्ड है, ठीक है। या फिर अगर हम कुछ ऐसा मॉलिक्यूल लें, ये वाला ले रहे हैं, अब यहाँ पे भी देखो मेटल के साथ डायरेक्टली एक ही एटम अटैच्ड है, तो हेप्टासिटी तो यहाँ पे भी 1 ही मिलेगी आपको। अब मैं ले रही हूँ, अब थोड़ा सा हम डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल देखते हैं। CH2 है, CH2 है, ठीक है, ऐसे मेटल लगा हुआ है, तो यहाँ पे अब आपके पास हेप्टासिटी 2 आएगी। 2 क्यों आ रही है हेप्टासिटी? देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ मेटल अटैच्ड है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन कैसे हुई है? इस कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, इस कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैप हुई होगी, और फिर ये बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। मतलब ये दोनों कार्बन के साथ ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स लिंक्ड है, तो यहाँ पे हेप्टासिटी आएगी 2। यहाँ पे क्या आएगी? हेप्टासिटी 2 आएगी। सो लाइकवाइज अगर आपके पास कुछ ऐसा भी आता है, ये ऑक्सीजन लीगेंट है, तो यहाँ पे भी हेप्टासिटी क्या होगी? 2 होगी। और अगर हम देखें M, यहाँ पे CH2, जैसे मैंने बताया हुआ था CH2 है, तो अब देखो, अब मेटल के साथ डायरेक्टली एक ही एटम अटैच्ड है, तो यहाँ पे हेप्टासिटी होगी 1। यहाँ पे दो एटम्स अटैच्ड थे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ये कार्बन एटम से लिंक थे, इसीलिए हेप्टासिटी आएगी यहाँ पे 2, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, ये मेटल है आपके पास, ये ऐसा है कुछ ऐसा, ठीक है, और ये ऐसा है। अब यहाँ पे देखो, ये मेटल एक तो इस एटम के साथ अटैच्ड है, ठीक है, और सेकेंड टाइम ये इस पाई बॉन्ड के साथ अटैच्ड है। मतलब यहाँ पे ये वाले और ये एटम, दोनों एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे ये था, तो यहाँ पे हेप्टासिटी क्या होगी? हेप्टासिटी आ गई 3। एक बार इस एटम के साथ अटैच हो रहा है, ये पाई बॉन्ड के साथ है, पाई बॉन्ड मतलब ये दोनों कार्बन एटम के साथ लिंक्ड होगा, तो हेप्टासिटी क्या आ जाएगी? यहाँ पे 3 आ जाएगी, ठीक है। इसको कभी कभी आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ भी दिखेगा, ये CH2, CH, CH2, ठीक है, ये ऐसे दिए हुआ होगा, और यहाँ पे आपके पास मेटल है ये। मतलब अब ये जो मेटल है, इन तीनों एटम के साथ अटैच्ड है, इन तीनों कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पे भी हेप्टासिटी क्या होगी? 3 होगी। ये दोनों ये एक जैसे ही हैं, ठीक है। और एग्जांपल लेके देखते हैं। अब जैसे मैंने ये लिया,
साइक्लोपेंटा डाइनाइल डाइन, और यहाँ पे मेटल अटैच्ड है, यहाँ पे मेटल अटैच्ड है, तो ये एक ही एटम के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पे हेप्टासिटी क्या होगी, 1। अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं, ऐसे करके यहाँ पे मेटल हो, ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये एटम, ये एटम, ये एटम के साथ मेटल डायरेक्टली अटैच्ड है, तो यहाँ पे हेप्टासिटी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और अगर आपके पास आता है कुछ ऐसा, तो अब हेप्टासिटी क्या होगी, 5 होगी, हेप्टासिटी क्या होगी, यहाँ पे 5 होगी, ठीक है। अगर हम देखते हैं आप ये ऐसे मेटल ऐसे भी अटैच्ड है एंड ऐसे भी अटैच्ड है, अब यहाँ पे देखो ये पाई बॉन्ड के साथ, ये पाई बॉन्ड के साथ, मतलब ये दोनों कार्बन एटम भी इन्वॉल्व हैं, ये दोनों कार्बन एटम भी इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे हेप्टासिटी क्या होगी, 4। ये ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है और ये ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हेप्टासिटी क्या आएगी, 4 आएगी। और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे बेंजीन का एग्जांपल ले लेते हैं, लिगेंड यहाँ पे आ रहा है और मेटल अटैच्ड है, अगर मेटल सिर्फ ऐसे अटैच्ड है तो हेप्टासिटी 1 होगी। अब अगर क्या किया हमने, ये यहाँ तक चला गया, मतलब मेटल सारे कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, तो हेप्टासिटी क्या आएगी, 6 आएगी। ये कैसे है, ये एक्चुअल में कैसे है, ये कि यहाँ पे आपके पास 3 बॉन्ड्स है, ये है एक, ये है एक, ये है और एक ये है, अब यहाँ पे आपके पास मेटल है, तो मेटल यहाँ पे भी लिंक्ड है इस पाई बॉन्ड के साथ भी, इस पाई बॉन्ड के साथ भी एंड इस पाई बॉन्ड के साथ भी, तो यहाँ पे देख सकते हो ये पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये दोनों कार्बन एटम, ये पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये दोनों कार्बन एटम एंड ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये दोनों कार्बन एटम, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, नीटा 6 आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको हेप्टासिटी का थोड़ा बहुत पता चल गया हो, बाकी हम देखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाए। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स काउंट, कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड मेटल इन एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी के लिए हम एक रूल पढ़ेंगे, EAN रूल, जिसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स भी बोला जाता है। जिस भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 18 आता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आप कैसे काउंट करोगे जब तक आपको पता नहीं होगा कि कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन काउंट के लिए आपके पास दो मेथड है यहाँ पे, एक होता है न्यूट्रल मेथड, दूसरा होता है आयनिक मेथड। न्यूट्रल मेथड में लिखो होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज मोस्टली न्यूट्रल मेथड ही यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए। आयनिक मेथड भी पर आपको पता होना चाहिए, इसके अंडर लिखो हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। यहाँ पे होती है होमोलिटिक क्लीवेज, अगर मैं यहाँ पे मेटल है और कोई लिगेंड है, ठीक है, ये लिगेंड है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा ना होमोलिटिकली ब्रेक होगा, मतलब बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो ये आया आपके पास, ये लिगेंड है, ठीक है। समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई लिगेंड है, अब इस लिगेंड के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंट्रीब्यूट भी कितने इलेक्ट्रॉन करेगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। हेट्रोलिटिक क्लीवेज की बात करी जाए तो अब आपके पास MX बॉन्ड है, X ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है यहाँ पे जो मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाएंगे, ठीक है, सो ये इस तरफ चले गए, मतलब आपको यहाँ पे मिलेगा M पॉजिटिव X नेगेटिव, X नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, तो ये कंट्रीब्यूट भी कितने कर सकता है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर सकता है, बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है। और हम इजीली एग्जांपल्स देखते हैं और क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल के साथ शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे देखो होमोलिटिक क्लीवेज होगी, ये होगी होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है, और
यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मतलब ये वन इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब यहाँ पे हिट्रोलिटिक क्लीवेज कराओ, आयनिक मेथड में क्या होगी, हिट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले गए, मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा CH3-, CH3-, मतलब ये टू इलेक्ट्रॉन्स डोनर होगा, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी हेप्टासिटी क्या आ रही थी, वन आ रही थी, इसकी भी हेप्टासिटी तो वन ही आएगी क्योंकि मेटल एक ही एटम के साथ अटैच्ड है। अब यहाँ पे देखो, इस अगर मॉलिक्यूल की, यहाँ पे इस लिगेंड की हम हेप्टासिटी देखें तो लिगेंड का एक ही एटम डायरेक्टली मेटल के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे भी हेप्टासिटी आपको वन ही मिलेगी, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन काउंट देखते हैं, देखो होमोलिटिक क्लीवेज होगी, होमोलिटिक क्लीवेज में इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, इस बॉन्ड का भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, लिगेंड का इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं इसीलिए आप लिगेंड पे ही फोकस करो, ठीक है। तो अब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, दो इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं हिट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, मतलब इस ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे और ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी इसकी तरफ जाएंगे, मतलब यहाँ पे आ रहा है Cr2 2-, टू नेगेटिव आ रहा है, टू नेगेटिव का क्या मतलब है, फोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, आयनिक मेथड में फोर इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगी, होमोलिटिक क्लीवेज में इसके पास थ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मतलब ये थ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। अब यहाँ पे हिट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, ये वाले बॉन्ड के भी पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गए, ये वाले बॉन्ड के भी पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गए, ये वाले बॉन्ड के भी पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए, तो मतलब ये आ गया आपके पास Cr3-, थ्री नेगेटिव आ रहा है तो टोटल ये सिक्स इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है, ईजी है ये। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे भी हेप्टासिटी वन होगी, यहाँ पे भी हेप्टासिटी आपको वन ही देखने को मिल रही है, होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है, अब तो जल्दी जल्दी देखो, होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा मतलब ये वन इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अब यहाँ पे हिट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, नेगेटिव चार्ज आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब टू इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूटर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे आप एक और बात ध्यान में रखना कि कोई भी न्यूट्रल लिगेंड हो, जैसे हम अमोनिया का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन तीन बॉन्ड्स बना चुका है, बाकी इसके पास सिर्फ एक लोन पेयर है, मेटल लिगेंड बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, ये लोन पेयर से फॉर्म होगा, ठीक है। सो जो भी न्यूट्रल लिगेंड है, जहाँ पे भी मेटल लिगेंड बॉन्ड लोन पेयर से फॉर्म हो रहा है, वो टू इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, चाहे न्यूट्रल मेथड से देखो या फिर आयनिक मेथड से देखो। सो इसमें और एग्जांपल भी देख सकते हो आप, वाटर देख सकते हो या फिर PPH3 देख सकते हो, CO ये भी न्यूट्रल लिगेंड है आपके पास। और आपको क्या देखना होगा कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिगेंड मिल रहा है आपको, इथीन लिगेंड है और मेटल लिगेंड बॉन्ड ऐसे फॉर्म हुआ है, सो यहाँ पे भी ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन ही डोनेट होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, टू इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट करेगा ये वाला लिगेंड भी, अगर ऐसे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, चाहे वो न्यूट्रल मेथड है या फिर आयनिक मेथड है, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये वाला एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना, यहाँ पे भी ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, यहाँ पे भी टू इलेक्ट्रॉन है तो न्यूट्रल मेथड से भी टू इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ये वाला लिगेंड एंड आयनिक मेथड से भी। सो ये एग्जांपल तो हमने देख ही लिया, पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, टू इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ये भी, टू इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मेटल हाइड्रोजन, सो यहाँ पे देखो होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो ये वन इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ठीक है, और हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, हाइड्राइड नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे तो ये टू इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ये तो एग्जांपल हमने देख ही लिया, ये टू इलेक्ट्रॉन डोनर है न्यूट्रल मेथड से भी ये वाला लिगेंड एंड आयनिक मेथड से भी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अब यहाँ पे देखो मेटल एक ही कार्बन के साथ कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे नीटा हेप्टिसिटी क्या होगी, वन होगी, और न्यूट्रल मेथड से होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो वन इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ये,
यहाँ यहाँ से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, वन इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये टू इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ये वाला लिगेंड, ठीक है। नेक्स्ट अब ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे अब देखो कि यहाँ पे मेटल मेटल एक इस वाले कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड के साथ भी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। मतलब अगर यहाँ पे हम हेप्टासिटी देखें तो हेप्टासिटी क्या है, हेप्टासिटी थ्री है, तीनों एटम्स मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो हेप्टासिटी क्या आ गई आपके पास, थ्री आ गई। अब हम इलेक्ट्रॉन कितने कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ये वाला लिगेंड वो हम देख लेते हैं। सो होमोलिटिक क्लीवेज होगी, होमोलिटिक क्लीवेज से वन इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ से, एंड ये तो पाई बॉन्ड है, ये तो टू इलेक्ट्रॉन ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो टोटल यहाँ पे ये थ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ये वाला लिगेंड। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, सो हेट्रोलिटिक क्लीवेज में तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ से मेटल, यहाँ से ये लिगेंड टू इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है और पाई बॉन्ड से भी टू इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो टोटल ये हुआ फोर इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे देखो मेटल एक ही एटम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो नीटा क्या आएगा, हेप्टासिटी क्या आएगी आपके पास, हेप्टासिटी वन ही आएगी, और होमोलिटिक क्लीवेज होगी, ये वन इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, नेगेटिव चार्ज आएगा, C5H5 नेगेटिव, सो टू इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये टू इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में मेटल इस कार्बन के साथ अटैच्ड है एंड यहाँ पे ये कि साइक्लो पेंटाडाइन, तो मेटल इस पाई बॉन्ड के साथ भी अटैच्ड है, मेटल इस पाई बॉन्ड के साथ भी अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये अच्छे से नहीं बना है, ये चीज़ें आप अच्छे से समझ लो, एक बार समझ में आ गई ना तब आप कभी भूलोगे नहीं। यहाँ पे देखते हैं आप, यहाँ पे आपके पास मेटल है, ठीक है, मेटल अब इस कार्बन एटम के साथ भी लिंक्ड है, इस पाई बॉन्ड के साथ भी एंड इस पाई बॉन्ड के साथ भी, ठीक है। सो होमोलिटिक क्लीवेज होगी ये वाले बॉन्ड की, तो होमोलिटिक क्लीवेज होगी, सो ये वन इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। अब ये तो पाई बॉन्ड है तो ये टू इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, और ये वाला पाई बॉन्ड भी टू इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। सो न्यूट्रल मैथड से ये हुआ 1+2+2, 5 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। और अगर हम बात करें हेट्रोलिटिक क्लीवेज की, आयनिक मेथड की, सो आयनिक मेथड में आप यहाँ पे देख सकते हो, वैसे तो डायरेक्टली हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ से मेटल अटैच हो सकता है, यहाँ से भी मेटल अटैच होगा, यहाँ से भी मेटल अटैच होगा, ये तो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी पाई बॉन्ड से दो इलेक्ट्रॉन डोनर ही बनेगा। यहाँ पे अब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी तो नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब ये भी टू इलेक्ट्रॉन, सो टोटल इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कितना कर सकता है, ये सिक्स इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ये सिक्स इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है, देखो यहाँ पे क्लीवेज कैसे हो रही है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। होमोलिटिक क्लीवेज में तो कोई आपको ऐसा डिफरेंस देखने को ही नहीं मिलेगा, होमोलिटिक क्लीवेज में ये वन इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा, टू इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे, तो ये हुआ थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर। बट अगर हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज की बात करते हैं तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज में जो अब तक क्लीवेज करते आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आने के बाद आप देख सकते हो दिस इज एंटी एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल बन रहा है,
और आपको पता है एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ पे क्लीवेज ऐसे नहीं होती। यहाँ पे क्लीवेज में क्या होता है कि अगर ऐसे होगी क्लीवेज तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये एरोमेटिक बन गया, ठीक है, और यहाँ से तो ये 0 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये आयनिक मेथड में 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है। अब जब भी हम न्यूट्रल मेथड करते हैं, न्यूट्रल मेथड में अगर आपको जैसे हेप्टासिटी दी हुई है, 3 दी हुई है, तो आप डायरेक्टली लिख देते हो वहाँ पे कि वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अगर हेप्टासिटी 5 दी हुई है तो आप वहाँ पे लिख लेते हो कि 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये सब कुछ क्लीवेज करने की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। अब नेक्स्ट हम न्यूट्रल मेथड से इलेक्ट्रॉन काउंट करने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये जो होमोलिटी क्लीवेज वाला मेथड है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अब मैं जो आपको मेथड बताने वाली हूँ उससे हम जल्दी से इलेक्ट्रॉन काउंट देख सकते हो, आप जल्दी से इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी लिगेंड का, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा। अब कार्बन की बात देखो, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 यूज़ हो गए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में, अब बचा कितना, 1, तो ये भी CH3 भी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर ही होगा। CN इसके स्ट्रक्चर ओपन करके लिखो, यहाँ पे ये आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में, बाकी कितना बचा, 1 ही बचा, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा ये मेटल को। SiMe3 की बात करते हैं, यहाँ पे इसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 3 यूज़ कर लिए बॉन्ड फॉर्मेशन में मेथाइल के साथ, बचा क्या, 1 ही बचा ना, तो ये भी अपना 1 ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। अब जहाँ पे आपको यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स देखने को मिल रहे हैं, तो ठीक है, 1 इसने बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, 1 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, बाकी इसके पास बचे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हमने लिख लिए। तो जब भी आपको ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखता है तो सबसे पहले वो ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब ये जो अनपेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन है ना यही सबसे पहले कंट्रीब्यूट होगा, तो इसीलिए ये क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। सारे एग्जांपल्स देखो एंड तक, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर ही क्यों हुआ। अब यहाँ पे देखो ब्रिजिंग में है मेटल, सॉरी हाइड्रोजन ब्रिजिंग में है, बट हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो ब्रिजिंग में हो चाहे वो टर्मिनल में हो, तो वो तो 1 ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर पाएगा, ठीक है। या अब यहाँ पे ये 2 मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसको और क्या बोलोगे आप, 1 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलोगे। यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा भी दिया जा सकता है, यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने, यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे मेटल है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब ये भी 1 2 3 4 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही होगा, बाकी सारी इंटरेक्शन होगी, ठीक है, ये भी क्या है, 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आपको 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता हुआ ही दिखेगा क्योंकि इसके पास है ही 1 इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ये इनकैप्सुलेटेड हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है, 7 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, बॉन्ड तो ये एक ही फॉर्म कर रहा है, बाकी सारी इंटरेक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं आप 2 इलेक्ट्रॉन डोनर के, न्यूट्रल मेथड से कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनर कौन कौन से लिगेंड्स होंगे, सबसे पहले तो न्यूट्रल लिगेंड्स, अगर न्यूट्रल लिगेंड्स आपको दिखता है जैसे NH3 हो गया, जैसे वाटर हो गया, जैसे CO हो गया, वो PH3 हो गया, ये सारे 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, या फिर पाई बॉन्ड अगर आपको दिख रहा है तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही होगा। अब NH3 ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों कर रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला चक्कर जो है कि इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड तो नाइट्रोजन ने बना लिए, बाकी कितने बचे हैं, 2 लोन पेयर बचा है, तो अगर यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता, बट अगर आपके पास लोन पेयर बचे हैं तो लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, ठीक है,
मतलब यहाँ पे ये वाला लिगेंड टू इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। अब जैसे वाटर देख लो, वाटर के पास वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ठीक है, दो यूज हो गए आपके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में, बाकी यहाँ पे बचे हैं दो लोन पेयर मेटल के साथ। अब पहले एक लोन पेयर बनाएगा, एक ही मेटल है तो एक ही लोन पेयर यूज हो रहा है, मतलब ये वाला लिगेंड भी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये सारे अगर हम देखें तो लोन पेयर की फॉर्म है, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये डायवेलेंट होता है, ठीक है, ये लोन पेयर की फॉर्म में, ऐसे समझ लो, समझने के लिए बता रही हूँ। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही होगा। वैसे ही अब आप सल्फर की बात कर लो, सल्फर भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल हमें पता है ऑक्सीजन दो बॉन्ड बहुत आराम से बनाता है, ठीक है, तो ये ऐसे होगा, तो आप देख सकते हो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है बाय न्यूट्रल मेथड। अब यहाँ पे सल्फर के साथ देखो तो ये भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, समझने के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है, तो ये भी अब 6 है तो ये पेयर में ही जाएंगे, मतलब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। अगर हम CNR की बात करें तो इसका ओपन करके स्ट्रक्चर लिखो, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब कार्बन ने अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, बाकी कितने बचे, 2 ही बचे हैं ना, तो ये भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। यहाँ पे देखो कार्बन का एग्जांपल देख लेते हैं हम, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए हैं, बाकी कितने बचे, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। अब यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे सल्फर के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसने यूज कर लिए, बाकी कितने बचे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब ये भी एज अ लोन पेयर ही जाएंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही होगा, ठीक है। PR3 देख लो, फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए R के साथ, बाकी बचा 1 लोन पेयर, तो ये भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही होगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो एक पाई बॉन्ड ही मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। और ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ही है कि ऐसा है अगर लिगेंड और ऐसे मेटल कार्बन मेटल लिगेंड बॉन्ड है तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है, अब ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, ये इस फॉर्म में है, ठीक है, ये हमें पता है। अब बाकी क्या बचे, बाकी इसके पास बचे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 बचे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंगल पेयर में कोई नहीं दिख रहा है, अनपेयर्ड में कोई नहीं दिख रहा है, अगर अनपेयर्ड में नहीं दिख रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन ही कॉन्ट्रीब्यूट होते हैं, बस ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे देखो कार्बोनिल, कार्बोनिल हमें पता है ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो चाहे ये टर्मिनल पोजिशन पे हो चाहे ये ब्रिजिंग पोजिशन पे हो, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी चाहे ये म्यू 3 हो चाहे 3 मेटल के साथ ब्रिजिंग में हो, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, अब यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, इसके पास कितने बॉन्ड, 1 बॉन्ड इसने फॉर्म किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है सिंगल इलेक्ट्रॉन से हुआ है या फिर जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो इन्वॉल्व हुए हैं, ये कैसे फाइंड आउट करोगे आप, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमने लिख लिए 1 2 3 4, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड ये 6 आ गया। अब मैंने क्या बोला है कि अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखता है ना तो वो पहले जल्दी से कंट्रीब्यूट होगा, ठीक है, तो लोन पेयर नहीं होगा, पहले अनपेयर्ड ही कंट्रीब्यूट करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन डोनर देख लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ये, इसको भी हम अच्छे से लिख लेते हैं। अब जो मेथड आपको अच्छा लग रहा है ना, इजी लग रहा है, उसी के साथ देखो, इसको मैं ओपन करके लिखवा देती हूँ। यहाँ पे ये क्या है, सी है, यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे ये सी है, CH2 होगा एंड यहाँ पे आपके पास मेटल है, ठीक है, तो एक बार मेटल ने यहाँ से बॉन्ड फॉर्म हुआ है,
एक बार यहाँ से ऊपर, यहाँ पे तो पाई बॉन्ड है, मतलब ये टू इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। अब यहाँ पे देखो, इस कार्बन ने 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिया, बाकी कितना बचा है, सिर्फ एक ही बचा है, तो मतलब ये क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, तो ये टोटल 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन सबसे पहले देखो बॉन्ड कितने फॉर्म करेगा, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होते हैं। ठीक है, मेनली क्या है, 3 बॉन्ड ये इजिली बनाना चाहता है, ये लोन पेयर में रहना चाहता है। ठीक है, 3 बॉन्ड, तो ये क्या होगा, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। होमोलिटिक क्लीवेज से भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको होमोलिटिक क्लीवेज वाला अच्छा लग रहा है वहाँ से होमोलिटिक क्लीवेज वाला कर लो, और जहाँ से आपको ये वैलेंसी वाला अच्छा लग रहा है वैलेंसी वाला देख लो। न्यूट्रल मेथड ही देखना है, फॉस्फोरस के पास भी अब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे कितने यूज़ हो, 3 यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, एक लोन पेयर होगा तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब यहाँ पे देखो ये आ गया, अब क्या है आपके पास, मान लो कि कोई हैलोजन में क्लोरीन ले लिया आपने, ठीक है, क्लोरीन ले लिया। अब क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिए। ठीक है, अब दो मेटल के साथ ये ब्रिजिंग में है, ये क्या है, क्लोरीन ब्रिजिंग में है, तो अब दो मेटल के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, तो सबसे पहले तो क्या है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये जल्दी से कॉन्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लिखो या फिर जितने बॉन्ड्स बन गए हैं वो फॉर्म करने के बाद बचे हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, और उसके बाद देखो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले वो कॉन्ट्रीब्यूट होगा मेटल के साथ। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है, अब यहाँ पे ये जो क्या है लोन पेयर बचे हुए हैं, तो अब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 + 3 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, बचे हुए लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा और अनपेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, दैट्स इट। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, एंड नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड फॉर्म कर लिए, मतलब इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यूज़ होके हुए हैं। बाकी अब हमने देखना है कि ये मेटल के साथ ब्रिजिंग में है, ये भी क्या है, अब ब्रिजिंग में है। अब यहाँ पे देखो, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये हमने लिख लिया 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो क्या करेगा, एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कॉन्ट्रीब्यूट होगा, सबसे पहले एक मेटल के साथ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये लोन पेयर की फॉर्म में है तो ये तो दोनों बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है, दोनों मतलब इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, तो ये क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। वैसे ही PPH2 का भी सेम ही एग्जांपल है, फॉस्फोरस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 यूज़ हो गए, बाकी बचे आपके पास 3, 2 मेटल हैं। ठीक है, तो एक तो अनपेयर्ड वाला कॉन्ट्रीब्यूट होगा पहले, और उसके बाद आपके पास लोन पेयर की फॉर्म में होगा। ठीक है, अनपेयर्ड वाला अगर मैं बोल रही हूँ कि Cl है, यहाँ पे अगर आपके पास कुछ ऐसा है, यहाँ पे कुछ ऑलरेडी लगा हुआ है मेटल, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, तो अब एक जो मेटल लगेगा ना वो सिंगल इलेक्ट्रॉन से नहीं लगेगा, यही मेरा समझाने का मतलब है, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यहाँ पे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ कॉन्ट्रीब्यूट होंगे, जो लोन पेयर की फॉर्म में होते हैं वो एक साथ कॉन्ट्रीब्यूट होंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन है, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, अब आपके पास यहाँ पे देख सकते हो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ने क्या किया आर के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, अब एक आपके पास सिंगल बचा हुआ है, बाकी 2 लोन पेयर बचे हुए हैं। ठीक है, मेटल कितने हैं, 2 मेटल है, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये कॉन्ट्रीब्यूट होगा, और उसके बाद ये लोन पेयर कॉन्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो ये भी हो गया 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो न्यूट्रल मेथड में अगर आपके पास नीटा 4 दिया हुआ है डायरेक्टली लिख दो कि वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, नीटा 2 दिया हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ठीक है, वो हम डायरेक्टली देख सकते हैं। अब यहाँ पे साइक्लोब्यूटाडाईन है, ये भी कैसे होगा स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे है, यहाँ पे मेटल है, ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, मतलब 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ। और यहाँ पे भी देख सकते हो ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड है, तो मतलब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बाकी देखो 3 इसने बॉन्ड फॉर्म कर लिए, क्या बचे हैं, 2 लोन पेयर बचे हैं, तो ये भी 2 और ये भी 2 डोनेट करेगा, मतलब ये आपके पास ऐसे दिया हुआ होगा ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे ही लिखा हुआ होगा, तो ये क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है नाइट्रोजन,
एन एच टू आ गया, ये क्या है, फोर इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लोन पेयर यूज़ हो रहा है या सिंगल इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा है, बस आपको यही देखना है। तो नाइट्रोजन है यहाँ पे, डबल बॉन्ड होगा, थ्री बॉन्ड्स तो बना लिए हैं, बाकी सिर्फ एक लोन पेयर बचा है, तो ये भी लोन पेयर से ही मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये भी लोन पेयर से ही मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये फोर इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये आपके पास ऑलरेडी ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि ये जो है लीगेंड यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड इस मेटल के साथ, एक पाई बॉन्ड इस मेटल के साथ लगा हुआ है, दो पाई बॉन्ड है, मतलब ये फोर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ठीक है। हेप्टासिटी दी हुई है, जैसे आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऐसे ऐसे दिया हुआ है, और यहाँ पे मेटल है, तो आपको पता है निटा फाइव है, तो न्यूट्रल मेथड से डायरेक्टली आप लिख सकते हो फाइव इलेक्ट्रॉन डोनर है। जैसे आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, मेटल है यहाँ पे, तो ये क्या है, निटा थ्री है ना, तो आप न्यूट्रल मेथड से देख सकते हो ये थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ठीक है। या फिर आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे मेटल है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो हेप्टासिटी सिक्स है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। फाइव इलेक्ट्रॉन डोनर के एग्जाम्पल देख लिए हमने, ये है यहाँ पे, देखो ये एक्चुअल में कैसे है, यहाँ पे भी ये वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव कार्बन एटम मेटल के साथ अटैच है, मतलब नीटा फाइव है, यहाँ पे भी आपके पास नीटा फाइव है, तो न्यूट्रल मेथड से ये फाइव इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये है आपके पास हेलोजन, हेलोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेवन होते हैं, ये हमने लिख लिए, सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिए, ठीक है, ये लिख लिए। अब यहाँ पे कितने मेटल है, तीन मेटल है, तो एक मेटल यहाँ पे आ गया, एक मेटल यहाँ पे आ गया, एक मेटल यहाँ पे आ गया। पहले तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कंट्रीब्यूट होगा, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये क्या है, लोन पेयर की फॉर्म में ही है, तो ये कंट्रीब्यूट होंगे, यहाँ पे ये क्या है, लोन पेयर की फॉर्म में है, तो ये कंट्रीब्यूट होंगे, एक साथ कंट्रीब्यूट होंगे, मेरे कहने का यही मतलब है, और ये क्या होगा, फाइव इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो यूज़ हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब बाकी आपके पास कितने बचे हैं, मेटल बचे हैं, तीन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तीन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, तो यहाँ पे एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इजिली अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर देगा, और बाकी ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, क्योंकि ये लोन पेयर है आपके पास, तो ये लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनर, ये आ गया आपके पास बेंजीन, और या फिर यहाँ पे पास हेप्टासिटी निकालो, बस हेप्टासिटी यहाँ पे सिक्स आ रही है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स एटम डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं मेटल के साथ, हेप्टासिटी क्या आ रही है, सिक्स आ रही है, तो ये क्या होगा, सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। आई होप अब आपको इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करने हैं समझ में आ गया होगा। मैंने सारे मेथड्स यहाँ पे कंबाइन करके आपको समझाने की कोशिश करी है कि एटलीस्ट एक मेथड से तो आपको समझ में आ जाए। थैंक यू गाइज़।